इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके संबंधित डेरिवेशन को करेंगे। ये लेक्चर बीएससी के अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि चेंज मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न होता है। चाहे आप कंडक्टर के पास के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए या फिर कंडक्टर को मूवमेंट कराइए। इस फिनोमिना को माइकल फिराडे ने 1931 में दिया था, लेकिन जोसेफ हेनरी नाम के एक यूएस के साइंटिस्ट ने इसको इंडिपेंडेंटली 1932 में सेम चीज जनरेट की, लेकिन इस सिद्धांत को अंततोगत्वा माइकल फिराडे के नाम से ही जाना जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस दौरान यूरोप और यूएस के बीच में कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं थी, अन्यथा जोसेफ हेनरी के कार्य किए गए काम को यहाँ पे लिखा नहीं जाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि इंडक्टर, इसको आप इस तरह शो करते हैं सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और ट्रांसफार्मर और डिफरेंट डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में इसके फिनोमिना का इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन दो तरीके का होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना इन विच अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट प्रोड्यूसेस एंड इंड्यूस करंट और इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द सेम सर्किट। इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग, द सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल विल अपोज द राइज ऑफ द करंट, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड मैग्नेट विल बी अपोजिट। अगर आपके उसी सर्किट में इंडक्शन उत्पन्न होता है, उसके कारण से कोई करंट बहती है, अगर आपकी करंट इंक्रीज कर रही है तो उस इंक्रीमेंट का विरोध करेगा, अगर करंट कम हो रही है तो उसके कम होने का विरोध करेगा। ये कैसे होता है मैंने माइकल फिराडे वाले लेक्चर में आपको बताया। अब पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फाइव बी इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाइव बी इक्वल टू एल क्रॉस आई। ये जो आपका कांस्टेंट है एल, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। अब माइकल फराडे के नियम से आपको पता है EMF equal to minus d phi b upon dt। phi b की हमने वैल्यू को पुट किया, equal to minus dt upon d upon dt li। हमने L आपका एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको हम बाहर ले गए, equal to minus L di upon dt। नेगेटिव साइन आपकी डायरेक्शन को शोकेस कर रहा है, इसका मतलब केवल डायरेक्शन से होता है, किसी नेगेटिव वैल्यू से नहीं होता है। तो आपका क्या आ गया, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड कॉइल, ये आपका लगभग हर एग्जाम में ऐसा डेरिवेशन आता है। अब यहां आप देख सकते हैं एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड कैसे बनती है, यहां पे दो इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर से आपका वायर राउंड कर दिया गया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। आपकी वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और इसमें जो लेंथ है वो स्मॉल एन है। स्मॉल एन इज अ लेंथ, इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर कैपिटल एन को शोकेस किया जाता, कैपिटल एन शो करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न से, जबकि एन आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट शो करता है। अब आपको पता है एम्पियर्स लॉ से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का
जो एंगल होता है वो जीरो होता है। आपने जैसे एम्पियर लॉ में देखा था, जो भी फील्ड बनती थी वो इसके एक्सेस के पैरेलल में होती थी, और जो एरिया का वेक्टर था वो भी इसी के साथ होता था। इस कारण से ये दोनों पैरेलल में होती थी और इनके बीच का एंगल जीरो होता था। तब क्या हुआ, फाइ बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एन एल ए, टोटल एरिया में कितने टर्न्स है उसको हमने कंट्रीब्यूशन में लिया है। तो क्या होगा, फाइ बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए, ठीक है। फिर हमने इसको सेल्फ इंडक्टेंस के जो लॉ से जो हमने निकाला था फाइ बी इक्वल टू एल आई, उसके बराबर इसको पुट कर लिया, कंपेयर किया, तब क्या आया, एल आई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए। एक बात ध्यान रखने की है, जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हो रही है। अगर कोई और मीडियम दिया होता तो हम यहाँ पे म्यू का इस्तेमाल करते, तब क्या होता, म्यू इक्वल टू म्यू आर क्रॉस म्यू नॉट होता। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। एन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट है, एल आपकी लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्या है, टोटल टर्न्स आपके एन है, जैसे मैंने पहले बताया, तो स्मॉल एन इक्वल टू किया होगा कैपिटल एन अपॉन एल, यहां पे वैल्यू पुट की, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यहां पे एल छोटा होगा जो कि लेंथ को शो कर रहा है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको दो कॉइल्स की जरूरत होती है। इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स। पेयर ऑफ कॉइल्स आपको लेना ही पड़ेगा, एक सिंगल कॉइल में भी नहीं होता है, और अगर मल्टीपल कॉइल में लेंगे तब भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा, आपके लिए केवल दो कॉइल्स की जरूरत होती है। द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ द करंट इन द अनदर कॉइल। व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस द फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द फिनोमेना इज नोन एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसको लिखा जाता है या तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखिए या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये जान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों सेम चीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे एसी सोर्स लगा है, यहाँ पे हमने इसको लिंकअप कर दिया है, ये आपकी की है। ये देखिए दूसरी कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को नापना, ये करंट कितनी फ्लो कर रही है उसको नहीं नापेगा, अगर उसको करंट की मात्रा को निकालना है, क्वांटिटी को निकालना है, तो आपको इसी के सीरीज में एमीटर को लगाना पड़ेगा जिसका काम करंट कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको निकालना है। अब देखेंगे फाइबी इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाइबी इक्वल टू एम आई, यहाँ पे एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच का लिया जाता है। अब फैराडे लॉ से पता है आपको क्या है, इक्वल टू माइनस डी टी डी अपॉन डी टी फाइव बी, जैसे कि हमने पहले किया था, तो क्या होगा इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। जब सॉल्व करेंगे, जब आपकी आई इक्वल टू वन होगी तो फाइव बी इक्वल टू वन होगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन इन द सोलेनोइड, यहां पे आप एक सोलेनोइड देख रहे हैं, देखिए यहां पे ऊपर की तरफ बना हुआ है जिसमें करंट आई बह रही है और एक छोटी कॉइल जो इसके भीतर रखी गई है जिसका एरिया A2 है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडक्शन निकालना है, पूरे बॉडी की जो लेंथ है वो L है इनिशियल,
उसका एरिया A1 है, और जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन जैसे कि पहले मैंने बताया था और एरिया की डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब क्या है, आपको जैसे पता है इस कॉइल बड़ी कॉइल में करंट फ्लो कर रही, उसके कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो B इक्वल टू म्यू नॉट N1 I अपॉन L। यहाँ पे N1 जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनोइड है, इस बड़े वाले वायर के टोटल टर्न को शो कर रहा है, जबकि N2 इस छोटे वाले कॉइल के टोटल टर्न को शो करेगा। अब क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट पासेस थ्रू कॉइल 2 एज अ रिजल्ट ऑफ सोलेनोइडल, ठीक है, फाइ 21 इक्वल टू N2 बी डॉट A2। फर्दर सॉल्व करेंगे म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L N2 A2। अगर फर्दर सॉल्व करते हैं जैसे फाइ 21 इक्वल टू MI1 मैंने रखा, यहाँ पर रखा और M की वैल्यू को हमें निकाल लिया, तो क्या होगा, M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2। यहाँ पे N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सोलेनोइडल कॉइल, N2 सेकंड कॉइल, A2 सेकंड कॉइल का एरिया, और म्यू नॉट आपका मीडियम का, यहाँ पे भी मीडियम आपका वैक्यूम लिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।